की बात करता है वो विश्व गुरु होगा। आज भारत के जो विश्वविद्यालय हैं, जो विद्यालय हैं, उसमें विद्यार्थी किसी तरह से उसको नकल मिल जाए तो टीक करके कि अच्छा नंबर मिल जाए। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, ये अपवाद है। रामबाग विद्या मंदिर या इस तरह के विद्यालय अपवाद है, नहीं तो नकल होती है। अब जो नकल करके आएगा वो क्या करेगा समाज के लिए? वो तो कुछ आविष्कार कर नहीं सकता है, अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है। नकल मार के आया है तो कौन सा इलाज करेगा? इसलिए बच्चों, वास्तविक आजादी और उस आजादी को मनाने का जो परिणाम अच्छा होगा वो आपके उत्कृष्ट अध्ययन पे, कि दुनिया में आप ऐसी ऐसी चीजें बना लें विज्ञान के माध्यम से, एक साइनिंग की तरह जो एनसीसी एनएसएस इनके द्वारा आगे चल करके आप ऐसा कार्य करें जो इस राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में उत्कृष्ट हो। आविष्कार के मामले में भारत वर्तमान समय में पीछे है। जो बीमारी जैसे चेचक थी, उसका जो वैक्सीन बनाया जेनर ने बनाया, जो रिवाल्वर कोल्ट ने बनाया, टाइपराइटर सोल्स ने बनाया, पेन को वाटरमैन ने बनाया, ये सब भारत के नहीं थे। तो वर्तमान समय में हमारे कुछ ऐसे विद्यार्थी जो शोध के लिए कार्य कर सकते हैं और बीमारियों की एक सटीक दवा बना सकते हैं, वो ऐसे वस्तुएं बना सकते हैं जो दुनिया में अनियंत्रित ना हो। आईटीआई के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आप जाने के लिए बहुत ही बाप के पास बहुत अच्छा अवसर, श्लोक आचार है, सब कुछ है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी तत्परता से लग करके आगे बढ़ेंगे। जो माननीय अपने विद्यालय के माननीय प्रबंधक जी ने किशोर इशारा किया है, जो इच्छा जाहिर की है, तो हम समझते हैं कि अगर आप लोग थोड़ा रुचि दिखाएंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। माननीय प्रबंधक जी का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। वो जाने के लिए कह रहे थे, फिर भी मैं